स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अभी हम लोग आए हुए हैं अपने वेयर हाउस में और आज है विश्वकर्मा दिवस। आप सभी को विश्वकर्मा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन गाड़ियों की पूजा की जाती है, फैक्ट्रियों की पूजा की जाती है और सभी बड़े बड़े जो भी हमारे बिजनेस हैं हर किसी के हर उद्यान में पूजा की जाती है। तो यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा हुआ है अपने वेयर हाउस पर और अभी पंडित जी ने यहाँ पर गाड़ियों की पूजा कर दी है। डोला जी की गाड़ी और मेरी गाड़ी, मैंने अपनी गाड़ी पर कुछ ज़्यादा ही फूल चढ़ाए हुए हैं। पाँच स्कूटी है, अपनी चीज़ की कुछ ज़्यादा ही केयर की जाती है। और यहाँ पे है हमारा ऑफिस और नक्शे के दांतों में ड्रेसेस लगे हुए हैं और मोती जैसे चमक रहे हैं यहाँ पे दांत। और ये है हमारी फैक्ट्री क्विक लाइम की। यहाँ पे हमारे विश्वकर्मा जी की हमारे यहाँ पर पूजा पाठ हो चुकी है। अभी ये पंडित जी, पंडित जी त्रिभुवन उप्रेती जी, जिनका हमारे हल्दीचौड़ में बहुत बड़ा नाम है और बहुत अच्छी पूजा पाठ करवाते हैं। हल्दीचौड़ हल्द्वानी पूरे कुमाऊं में, अमर उजाला में इन्हीं का आता है, जो अमर उजाला में जो ज्योतिष है, आज भी ज्योतिष का जो है कोई भी प्रोग्राम हो और एंकरिंग भी काफी अच्छी करते हैं वो। और इनको जानते हो नहीं जानते हो, ये है मिस्टर सोम मंडला जी और ये है इनका वेयर हाउस। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये सब सेंचुरी का काम यहाँ पे चलता है, क्विक लाइम का। इसमें केमिकल है और फिर आगे सप्लाई किया जाता है। और वहाँ पे सामने पड़ी हुई है फोक, ये देख सकते हैं, ये है फोक लिखी। आपको भी आपको भी आगे कुछ काम में आइए ऑफिस में। मेरा तो आगे आज जब भी आएंगे आएंगे तो हो गया अब रिम्पी अंकल जी आ गए। अब यहाँ पे आरती होने वाली है धनवाल जी। तो यहाँ पे अभी सूजी बन रही है और आलू के गुटके की तैयारी हो रही है। ये ताऊ नवीन अंकल सब लोग यहीं हैं। तीन बच्चे हैं, तीनों को एक वाहन मिल गया। यहाँ आ रही है आरती अब गाड़ियों की। सबका नंबर लगाया है यहाँ पे, रक्षा धागा बाद में है। पूरा वादी पूजा संपन्न हो चुकी है। ये दो दो बाद लिया अंडोला जी ने लाल पीले, रक्षा धागा के साथ यहाँ पे पूजा संपन्न है। हलवा और आलू के गुटके, कहाँ है आलू के गुटके? ये है आलू के गुटके और हलवा। अरे वाह, हलवे को तो देख ही मजा आ रहा है। बन गया है बढ़िया सा हलवा। और ये है हमारे दूसरे उस्ताद जी जो ये बड़ी सी गाड़ी है इसको चलाते हैं। ये फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जाता है इस गाड़ी के द्वारा, जो भी ये चूने के कट्टे हैं बड़े बड़े इसको सप्लाई करते हैं। और इसमें बने हैं आलू। बन गया है बढ़िया सा हलवा। और ये है हमारे दूसरे उस्ताद जी जो ये बड़ी सी गाड़ी है इसको चलाते हैं। ये फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जाता है इस गाड़ी के द्वारा, जो भी ये चूने के कट्टे हैं बड़े बड़े इसको सप्लाई करते हैं।
और इसमें बने हैं आलू, हलवा और आलू के गुटके। कहाँ है आलू के गुटके? ये है आलू के गुटके और हलवा। अरे वाह, हलवे को तो देखे ही मजा आ रहा है। ये ताऊ और राजू। अरे अंडोला जी, ये कट्टू में क्या है ये तो बता दो। कट्टू में जो है चूना आता है, चूना आता है जयपुर और ओमान से। अच्छा, ओमान से? ओमान और जयपुर से। ओमान गए तुम घूमने? ओमान तो नहीं गया, वियतनाम गया हूँ। अच्छा, और ये यहाँ पे अजीबोगरीब जैसी गाड़ी क्या रखी है? मैं तो आज यहाँ जिस दिन ओपनिंग हुई थी उस दिन आई थी, उसके बाद। अजीबोगरीब जो ये गाड़ी है इसको कहते हैं फोकलिफ्ट। अच्छा, जब मीना अंडोला से मेरी लड़ाई होती है मैं फोकलिफ्ट में लटका देता हूँ उसको। फोक लिफ्ट में ये कट्टे लटकाए जाते हैं, इतने बड़े बड़े ये। ये फोक लिफ्ट है, पूरा ऊंचा दिखने की इतनी छोटी गाड़ी है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। जो इतने भारी भरकम ये कट्टे लगे हुए हैं, इन कट्टों को ये लिफ्ट आसानी से उठा दे। ये इसका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर गाड़ी, फिर गाड़ी से जो बड़ी गाड़ी बाहर है उसमें लोड किया जाता है। और यहाँ के ये हड़ता करता है हमारे नवीन देवराड़ी जी, जिन्होंने पूरा कार्यभार संभाल रखा है हमारे ऑफिस का और यहाँ वेयर हाउस का। और ये है चंदन भैया, जिन्होंने फोक लिफ्ट की ड्राइविंग से लेके घर की ड्राइविंग तक सारा काम संभाला हुआ है। इनसे हम कुछ भी कहने को कहते तो कभी मना नहीं करते हैं। और ये है सरदार जी, जो यहाँ की देख रेख सफाई का काम सरदार जी का है, और ये कट्टे गाड़ी पे चढ़ाने का सब कुछ काम सरदार जी करते हैं। और यहाँ पे है ऑफिस, और ये है हमारे सनवाल जी, जिन्होंने हमारे पूरे अकाउंट का कार्यभार संभाल रखा है। अगर ये कुछ गड़बड़ भी करते हैं तो भी हमें कुछ पता नहीं चलने वाला है, हमें इन्हें पूरा विश्वास करके इन पर सब कुछ छोड़ दिया है। हमारे सारी फैक्ट्रियों का कार्यभार इनके हवाले है। और यहाँ पर है ये सनवाल जी की गाड़ी है, जिसकी पूजा अर्चना की गई है। और ये अंडोला जी की गाड़ी है, यहाँ पे मेरी गाड़ी है, सभी गाड़ियों की पूजा यहाँ पे की गई है। और ये है बड़ी गाड़ी, जिसमें जो ये चूने के बड़े बड़े कट्टे हैं जो लोड होके जाते हैं। कहाँ बन रहा है हलवा? यहाँ के आओ। हलवा तक मैं नहीं जा रही हूँ। दक्ष यहाँ पर प्रसाद भरने में लगा हुआ है, दक्ष को ऐसे काम करना बहुत पसंद है। शादियों में पूरी बेलना, सब्जी काटना, आलू छिलना, इन चीजों में दक्ष परफेक्ट रहता है, प्रसाद भरना। और ये है हमारे सोनू भैया, यहीं लगे दोनों आइटम, यहीं से लगाएंगे ना, वहां से कोई बार बार लो। टेस्टी, हमारा नंबर आ चुका है खाने का, और बहुत अच्छे आलू बने हैं, हलवा भी बहुत अच्छा बना है। आ गया खा के, हलवा तो दूसरी बार ला गई है आप, और मैं दूसरी बार जा रही हूँ आलू लेने। आलू कैसी हो रही है? मैंने नीचे देते चल गेट आलू। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? विश्वकर्मा जी की पूजा वाला, मैंने आपको अपनी फैक्ट्री दिखाई और वहां पर पूजा पाठ दिखाए। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे, और मैं लेके आई हूँ यहाँ पे प्रसाद। तो मैं अपने अगल बगल में भाभी जी लोगों को प्रसाद देने जा रही हूँ, और हम लोग तो वहीं पे से पेट फुल करके आए हैं, दो दो तीन तीन प्लेट आलू खा के आए हैं। अब तो शाम तक कुछ खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नई यादों के साथ। और करवा चौथ आ रहा है, नवरात्रि आ रही है, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तब तक के लिए ओके बाय, हैप्पी विश्वकर्मा। अम्मा आ गई हूँ अपने
खुलिए मैं, अब मुझे लेने जाना है सब्जी, शाम की तैयारी करनी है खाने की।